हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का मेरा वीडियो थोड़ा हटके है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ की अहमियत तो हर कोई बयां करता है, लेकिन उस घड़ी शायद हम कहीं ना कहीं पिता की अहमियत को थोड़ी देर के लिए ही सही पर भूल जाते हैं। सबसे पहले मैं सभी के पिताओं को, मतलब जो अनमोल शब्द है पिता, उस शब्द को कुछ लाइन्स डेडिकेट करना चाहती हूँ। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से तो सख्त होते हैं पर अंदर से नर्म, एकदम नारियल होता है ना वैसे। बाहर से तो सख्त होते हैं पर अंदर से नर्म, पर क्या आपने कभी सोचा है इनके दिल में दफन होते हैं कई मर। बच्चों के हर सपने को पूरा करने वाले पिता ही तो हैं, पिता से ही तो माँ और बच्चों की पहचान होती है। पिता अनमोल मोतियों का समुंदर है, जो अपने अंदर हमारे सारे दुख दर्द को संभाल लेते हैं। पिता नीम का पेड़ है, जिनके पत्ते भले ही कड़वे होते हैं पर छाया हमेशा ठंडी ही देते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक पिता ने क्या खूब कहा है अपने बेटे के लिए। पिता ने कहा है, अच्छा लगता है जब पहली बार बेटा मेरी उंगली पकड़कर चलता है। अच्छा लगता है जब पहली बार बेटा शहर छोड़कर बाहर कहीं पढ़ने जाता है। अच्छा लगता है जब पहली बार बेटा माँ के बजाय अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अच्छा लगता है जब पहली बार बेटा घर से दूर कहीं अपने नए घर में दिवाली मनाता है। अब बदले में बेटे का भी जवाब सुनिएगा, जब तक पिता का साया मेरे सर पर रहेगा वो मेरे रास्ते की हर मुश्किल को दूर कर देंगे। खुद लाठी टेकने लगेंगे पर मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। अब एक पिता अपनी बेटी को कैसे भूल सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा, पिता ने अपनी बेटी के लिए क्या खूब कहा है। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा बदल सकूं। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा बदल सकूं। बस मेरी बेटी की एक स्माइल देखकर ही मुझे यकीन आ जाता है कि मेरी तकदीर कितनी बुलंद है। एक पिता ने क्या खूब कहा है, हमें तो सुख में साथी चाहिए, दुख में तो हमारी बेटी ही काफी है। एक पिता ने क्या खूब कहा है, मेरा बेटा तो बस एक समय तक मेरा रहता है। समझ रहे होंगे वो कब तक रहता है, मतलब जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। एक मेरा बेटा तो एक समय तक मेरा रहता है, पर मेरी बेटी तब तक मेरी रहती है जब तक मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अब बेटी भी कैसे चुप रह सकती है? तो आप बदले में बेटी का भी जवाब सुनिए, पिता जीवन का नाम है, पिता मेरा अभिमान है, पिता अस्तित्व की पहचान है, पिता ही मेरा स्वाभिमान है। बेटी ने भी बोल लिया, बेटे ने भी बोल लिया, पिता ने भी बोल लिया। अब इसी के साथ लास्ट में कुछ लाइन स्पेशली मैं अपने पापा के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। मेरे बिन बोले ही मेरी हर बात को समझे, मेरा होना ही जिनके होने का वजूद है, मेरी कामयाबी ही मेरे पापा का वजूद है, मेरे पापा ही मेरे भगवान हैं।